नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगम में। और आज मेरे साथ हैं गुरु भाई आशीष जी। ये आपको बताएंगे कि एक स्पेशल ट्रिक और किस प्रकार से अपनी फिंगर्स को अपन फास्ट कर सकते हैं हारमोनियम के माध्यम से। तो देखिए, आज अपन एक्सरसाइज की ही बात करेंगे मुकेश जी। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कितनी फास्ट फिंगर काम करती है, और फिर उसका मैं बताऊंगा कि स्लो अपन प्रैक्टिस करें तो अपन भी, जैसे मैं बजाऊंगा वैसे आप भी बजा सकते हैं, सभी जितने भी आप। ये एक एक्सरसाइज हो गई सरगम की। अभी कैसे करना है और इसको बिल्कुल स्लो करना है, जो मैं करके बता रहा हूँ आपको, चाहूँगा कि आप लोगों को सबको समझ में आएगा कैसे। सा रे ग म सा, 1 2 3 4। तो सबसे पहले फिंगर्स की पोजीशन, हाँ ठीक है, 1 2 मिडिल वाली थंब फर्स्ट फिंगर, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तीसरी उंगली आ गई। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है ना। हाँ, कि भाई दो फिंगर्स ब्लैक पे, कौन कौन से फिंगर है ब्लैक, वो दो पे और तीन पे, ये 1 2, ये हो गई 2 1 2, फिर थम आ गया, नहीं ये 1 2 है। हाँ, लेफ्ट हैंड था मेरा 1 2। हाँ, 1 2 3। हाँ, 1 2 1 2 3, और थंब नीचे है, थंब नीचे, वही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जैसे अपन गए वैसे अपने को वापस आना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये मेरे से गलती हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसकी स्पीड कैसे धीरे धीरे अपने को बढ़ानी है, पहले अपन ने जहाँ जो अभी स्पीड तय करी वो अपन मैं आपको बताता हूँ। सा रे ग म, रे ग म प, ग म प ध, म प ध नि, ठीक है, प ध नि सा, सा नि द प, नि द प म, द प म ग, म ग रे, प म ग रे, म ग रे सा, ठीक है ठीक है। अब इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपन, साथ साथ जहां तक आप बोल सकते हो आप मेरे साथ साथ बोलिए एक बार, ठीक है, ठीक है। फिर एक बार आप बोलोगे, ठीक है ना। Bye.
करा सकते हैं जहाँ इसका कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि अपन ये एंड है इसका या इसका, बहुत फास्ट जाती है। ठीक है, तो आप वो जो फास्ट प्रोसेस है मैक्सिमम आपके हिसाब से वो अगर करके दिखाएं, और अपने फिंगर्स का या हाथ का विशेष अपने को ध्यान रखना है क्या? हाँ, जो अभी अपन शुरू में करा जो बताया था वैसे ही चलेगा। नहीं, पैटर्न वही रहेगा लेकिन हाथ को भी तो अपने को उठा के लेना है ना, जब स्पीड में। हाँ, उठा के बजाना है इसको। अब इसमें जैसे कि सरगम मैं बोलता हूँ इस स्पीड के अंदर, तो मेरे से मिस्टेक हो रही है, उतना मैं वहाँ नहीं जा रहा, तो ये एक अभ्यास के बाद आएगा। अभ्यास के बाद। और दूसरी बात, अगर मान लो कि मैं इसको चाहूँ तो जैसे कि मेरे से स्वर अगर उच्चारण नहीं हो रहा है इस स्पीड के अंदर, तो मैं इसको आकार में भी ले बिल्कुल सकता ले सकते हो। देखिए आप लेके एक बार। आकार की स्पीड भी बढ़ती जाएगी और अपने हाथ की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो सिर्फ वही सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन इसको अपन जितना मेंटेन करेंगे, रियाज के ऊपर है, जितना रियाज करोगे उतना ही राज करोगे। दोस्तों आपने देखा इस प्रकार से, मतलब कि हम अपनी स्पीड है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि गुरु भाई मेरे को सिखाते हैं वही चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो सारेगामा पधनिसा वही चीजें हैं, लेकिन हम उसको स्पीड से कैसे और इम्प्रूव करें, स्पीड में कैसे लेके आए, वही चीज़ हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।